लो आ गया मेरा बेटा विक्रांत। विक्रांत बेटा ये सेवनी है और ये इनके भाई। अरे रे जाओ जाओ शर्माओ नहीं, आजकल तो ट्रेंड है शादी से पहले बातें करने का, है ना। हमारी सीरियल में हर शादी की शुरुआत इसी सीन से होती है, तो जाओ। एक्चुअली वो राजवीर भाई ने ना मुझे सयोनी का नंबर ऑलरेडी दे दिया था। यू नो एक दूसरे को समझ जाएंगे, थोड़ा जान पहचान। वो राजवीर भाई ने बोला था कि शुभ काम में देरी कैसी। विक्रांत तो रिश्ता मंजूर है। राजवीर ऐसा ही है, दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी देख लेता है। भरत जी, लड़का और लड़की दोनों राजी, तो क्यों नहीं नेक की रस्म पूरी कर ली जाए। अरे मासा इस बात में देरी क्यों करने, क्यों भाई। हाँ क्यों नहीं, तो फिर शुरू करें लेके प्रभु का नाम। पंडित जी आपने इन दोनों की जन्म पत्री मिलाई ना। हाँ जी, दोनों की पत्री के सारे गुण मिलते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। वाह 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 वाह, बधाई हो भाई बधाई हो। अरे वाह संतोष जी, कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले। यही पान की दुकान तक। अच्छा आप पान खाते हैं, कमाल है, आपको देखकर लगता नहीं कि आप पान खाने वालों में से। हाँ आदत है, हमारा एक दोस्त था, मेरा मतलब है कि कोई था जिसे पान खाने की बड़ी आदत थी, मीठा पान, बस उसी के साथ रहते रहते आदत सी पड़ गई थी। खाना खाते ही पान। कौन सा पान खाते हैं। बनारसी मीठा पान, गुलकंद वाला। अरे आपको कैसे पता। आपके तरह हमें भी आदत है पान खाने की। बैठिए खिला के लाते हैं आपको बनारसी पान आज। बिल्कुल। ऐसा पान खिलाएंगे जिंदगी भर याद रखोगे। देखना विकास बड़ी धूमधाम से शादी करेगा, आपका भाई भी कितना अच्छा है, बड़ा ही प्यारा, और आपका परिवार कितना अच्छा है, पहली बार देखा इतना बड़ा परिवार वो भी एक साथ। आराम से धीरे धीरे, इतनी तेज। क्या हुआ, चोट लग गई। अरे सीट बेल्ट पहननी चाहिए, हम बेवकूफ हैं क्या सीट बेल्ट पहनते हैं, लगी ना चोट। राजवीर
ये तुमने क्या किया? जान लोगे क्या? तुम? हम मैं। तो अभी तक मेरा खिलाया हुआ पान नहीं बोला, बनारसी पान, मीठा पान। खाएगा? अरे खा ले, तेरी जिंदगी का आखिरी पान है ये, समझा? खा। क्या चाहते हो? तुम मर गए थे? हाँ, मैं मर गया था, लेकिन शमशान में मुझे नींद नहीं आई और आ गया मैं वापस तुम्हें बेचैन नींद सुलाने, गुलकंद वाला पान खिलाने, लाल लाल पान। बहुत गलत किया, मेरा दिल तोड़ दिया, अब मैं तेरा दिल तोड़ूंगा। तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत पान खिलाया ना मैंने तुझे, अब देखता हूं कितना गुलकंद निकलता है इससे। ये संतोष कहाँ चला गया? मैं होता तो मंदिर गया होता, लेकिन वो शायद पान खाने गया होगा। ये भैया भी ना, आप कॉल कीजिए ना भैया को। हाँ मैं कॉल करता हूँ। हाँ शादी की बात चल रही है और पान खाने। नहीं उठा रहा। हाँ विकास बोल। संतोष कहाँ है तू? यार रिश्ते की बात हो रही है, तू पान खाने गया, कब छोड़ेगा ये गंदी आदत? अरे उस आदमी को तो छोड़ दिया, ये आदत कैसे छोड़ेंगे? कितनी बार कहा है उसका नाम मत लिया कर। तू ये बता, तू है कहाँ और कब तक आएगा? मैं तो गया, मेरा मतलब है मुझे जाना पड़ गया। क्या है ना कि ऑफिस से कॉल आ गया था और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना बताए चला गया। ऑफिस में सर्वर डाउन था ना, तो उन्हें मेरी जरूरत पड़ गई। संतोष एक बार बता के तो जा सकता था ना। अरे अगर बता के जाता तो जाता ही नहीं ना। मेरा मतलब है तुम मुझे रोक नहीं लेते और मुझे जाना जरूरी था ना, इसलिए मैं चला गया। चल ठीक है, एक बार ऑफिस पहुंच के मुझे फोन कर देना। तू मेरी फिक्र मत कर, गुड़िया की शादी अच्छे से कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं हूं ना। तुम करना क्या चाहते हो? रोमांस करना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत, और इस मोहब्बत में ना राजवीर के प्यार से भी ज्यादा कशिश है, जानती है तुम? तुम्हारा इरादा क्या है? दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है ना, तो जो करना मेरे साथ करो। हाँ मेरी जान तेरे साथ ही करूंगा, क्या हुआ? तुझे मेरे हाथ पसंद नहीं? अरे धोखे आऊ, देख खुशबू भी आई। ये कातिल नजरे, ये अंदाजे गुस्सा, ये तेरे हुस्न को ना और भी बढ़ा देता है मेरी जान। चल आज तुझे बता ही देता हूं कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं। राजवीर बेटे जरा नीचे आ जाओ। तेरी किस्मत ना बहुत खराब है परिधि, कोई चाहता ही नहीं कि तुझे सच पता चले। आग हूं मैं, आग मैं, आग मुझसे दूर ही रहना वरना जल जाएगी, जल जाएगी। जल जाएगी।